सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको मिलीबग जैसे इंसेक्ट से अपने प्लांट को कैसे बचाते हैं उसका प्रोसेस बताने वाला हूं और सिर्फ 5 मिनट में आप अपने प्लांट को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। जैसे मेरे प्लांट पे आप देख सकते हैं, किसी भी ब्रांच पे आपको मिलीबग नहीं दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादातर गुड़हल जैसे प्लांट हो गए उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मिलीबग लग जाते हैं और आपका प्लांट धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने प्लांट के एक ब्रांच पे इन मिली बग्स को बढ़ने दिया ताकि आपको इनका ट्रीटमेंट करके दिखा सकूं और सिर्फ 5 मिनट में आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं और आपको कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही वो आपके पास अवेलेबल है। जो चीज़ मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ जिनसे आपको इनका ट्रीटमेंट करना है। मिलीबग जैसे इंसेक्ट का अटैक ज़्यादातर समर सीज़न में होता है और ये आपके प्लांट पे जब एक बार लग जाते हैं तो आपके प्लांट को धीरे धीरे करके सुखा देते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ऐसे पार्ट को कवर करते हैं जो कि इनका सबसे नाजुक पार्ट होता है। आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर टॉप से शुरुआत करते हैं जहाँ पर नई पत्तियाँ ग्रोथ ले रही होती हैं या नए बर्ड्स आ रहे होते हैं, तो ये ऊपर से ही प्लांट पर अटैक करते हो धीरे धीरे करके पूरे प्लांट को की ग्रोथ को ख़राब करने के बाद पूरे प्लांट को किल कर देते हैं, जिससे हमारा प्लांट बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, उसमें कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से ये मेरा स्मॉल सनफ्लावर का प्लांट है और इस पर भी मिलीबग ने ऊपर साइड से अटैक किया। आप देख सकते हैं इनके अटैक करने का यही तरीका ही होता है, ये प्लांट के ऊपरी भाग से ही खाना शुरू करते हैं और पूरे प्लांट को ख़राब कर देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इनका ट्रीटमेंट करने का बहुत ही आसान और घरेलू तरीका बता देता हूँ। मिलीबग के ट्रीटमेंट के लिए आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके घर में आसानी से अवेलेबल होती है। पहली तो डेटॉल, जो कि आपको बहुत ही आसानी से आपके घर में मिल जाएगी, और दूसरा आपको चाहिए हैंड वॉश। हैंड वॉश आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। सॉल्यूशन तैयार करने के लिए मैं 2 लीटर पानी ले रहा हूँ और 2 लीटर पानी में हमें डेटॉल की 2 बड़े चम्मच आपको इसमें मिक्स करने हैं। तो इस तरह से आपको 2 चम्मच बड़े बड़े आपको इसमें मिला लेना है। अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो आप 1 ही चम्मच डेटॉल लीजिएगा। और अब हम इसमें 2 चम्मच हैंड वॉश मिला लेंगे, क्योंकि मैं 2 लीटर पानी ले रहा हूं। अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो इनकी भी क्वांटिटी 1 ही चम्मच लीजिएगा। तो इन दोनों चीज़ों को पानी में मिलाने के बाद आपको स्प्रेयर के ढक्कन को बंद कर लेना है। अच्छे से शेक करने के बाद आपका सॉल्यूशन तैयार हो चुका है और अब हम इस सॉल्यूशन का यूज़ मिलीबग के ऊपर जैसे ही करते हैं, आप देख सकते हैं उनका जो वाइट कलर है ख़राब होने लगता है, यानी मिलीबग जो है धीरे धीरे किल होना शुरू हो जाते हैं। वो भले ही प्लांट के ऊपर चिपके रहें लेकिन धीरे धीरे वो ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में आपके प्लांट से ये रिमूव हो जाते हैं और इनको पूरी तरह से ये किल कर देता है सॉल्यूशन, और ये बार बार आपके प्लांट पे नहीं लगेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि अपने प्लांट पे आप हफ्ते में एक बार इनका स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपका प्लांट पे किसी भी तरह से मिलीबग नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से मर जाते हैं। तो चलिए अब हम इसी तरह से हिबिस्कस प्लांट पे भी जो मिलीबग लगे हैं उन पे भी इस सॉल्यूशन का स्प्रे करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं मिलीबग के ऊपर इस सॉल्यूशन का स्प्रे करता हूँ, ये सारे ही मिलीबग इनको छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके जो भाग भी नहीं पा रहे वो इस पर चिपके ही चिपके मर जाएंगे, क्योंकि उनका जो ऊपर का स्किन है उसको ये डैमेज कर देता है सॉल्यूशन, और आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। तो अगर जो चिपके हुए मिलीबग हैं वो भी इन पर लगे हैं तो कुछ देर बाद किल होकर गिर जाएंगे या सूख जाएंगे उसी प्लांट के ऊपर ये मिलीबग। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मिलीबग हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं, बिल्कुल भी इनमें कोई हलचल नहीं है ना जान है। मैं आपको इस लकड़ी से हटा के दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही आसानी से आप अपने प्लांट से मिलीबग को हटा सकते हैं। बस ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी इंसेक्ट को हाथ पे छूइए तो आप ज़रूर से अपने हाथ को साबुन से वॉश करिए, क्योंकि आपके स्किन के लिए ये हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमारे हिबिस्कस के इस ब्रांच से भी अब मिलीबग पूरी तरह से हट चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। आप अगर मिलीबग से परेशान हैं तो आप इस सॉल्यूशन का ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको, क्योंकि मैं अधिकतर प्लांट में इनका यूज़ करता हूँ और कई लोगों का मेरे पिछली वीडियो में कमेंट था क्या ये सॉल्यूशन हमारे प्लांट के लिए हानिकारक है।
तो ये सॉल्यूशन जो है आपके प्लांट के लिए कोई हानिकारक नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो ज़्यादा क्वांटिटी रखने से आपके प्लांट पे ज़रूर इफ़ेक्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे सनफ्लावर के प्लांट से भी मिलीबग रिमूव हो चुके हैं और जो लगे भी हुए हैं वो किल हो चुके हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।